ने अपने नए मोटो G8 प्लस को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और मोटोरोला के साथ में इस बार एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है कि जैसा कि मोटोरोला ने अपने मोटो G7 के साथ में किया था, मतलब कि जो मोटोरोला G7 था ना दोस्तों, उसके जो प्राइसिंग थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार रखी हुई थी मोटोरोला ने, पर इस बार मोटोरोला ने वो गलती वापस से रिपीट नहीं किया। यानी कि मोटोरोला जो G8 प्लस लॉन्च किया है ना इंडिया के अंदर, इसकी जो प्राइसिंग है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी रखी है। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन काफी डिसेंट से प्राइसिंग रखी हुई है। इस फोन को मोटोरोला ने 14,000 रुपीस का लॉन्च किया है, इसका 4GB और 64GB वाला रैम वेरिएंट। लेकिन इस फोन के साथ में एक डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि मोटोरोला ने इंडिया के अंदर सिर्फ इसके एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया है, 4 और 64 वाले को। इस फोन का इसके अलावा और कोई भी वेरिएंट नहीं है अवेलेबल इंडिया के अंदर। और हाँ, इस फोन का जो सबसे ज्यादा मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है ना दोस्तों, वो है इस फोन का कैमरा। मोटोरोला के हिसाब से ये जो फोन का कैमरा है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बैक साइड में इस फोन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरास का सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है ना दोस्तों इस फोन का, वो है 48 मेगापिक्सल का, और एक 16 मेगापिक्सल का एक एक्शन कैमरा है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। इस फोन का दोस्तों जो एक्शन कैमरा है ना, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है इस प्राइस रेंज के अंदर। और हाँ, मोटोरोला ने इसके बैक साइड के कैमरे के अंदर लेजर ऑटो फोकस भी इंक्लूड किया हुआ है, जिसके वजह से इस फोन की जो फोकसिंग स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है और ऑलमोस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट फोकसिंग स्पीड आती है इस फोन की इस प्राइस रेंज के अंदर। और इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों, इसके जो कैमरा के अंदर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है इसका क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी। मोटोरोला ने इसके फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जिसके कारण जो इस फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और 14,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट के अंदर मोटोरोला G8 प्लस जो फोन है ना दोस्तों, ये Mi A3 को काफी ज्यादा अच्छा टक्कर दे सकता है और ऑलमोस्ट दे ही रहा है कैमरा वाइज। और मोटोरोला G8 प्लस के साथ और एक Mi A3 के एक और कॉमन बात है दोस्तों, वो इन दोनों फोनों का प्रोसेसर। दोनों के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसेंट सा चिपसेट है। आप लोग इसके अंदर काफी एवरेज और डिसेंट सी गेमिंग भी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, और डे टू डे जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों, इसके काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी डे टू डे मल्टीटास्किंग है ना, वो काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड रहने वाली है। और दोस्तों, अब हम इस फोन की डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इस फोन के अंदर आप लोग को 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और ये कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये एक IPS LCD पैनल है, और इसके साथ में ये ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, और वो भी पूरे 450 निट्स के ब्राइटनेस के साथ में। तो डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ जिन लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है ना दोस्तों, वो लोगों को ये फोन कंसिडर नहीं करना चाहिए। और मोटोरोला के बाकी सारे फोनों के कंपैरिजन में इस फोन का जो बेजल्स है ना दोस्तों, साइड बेजल्स, वो भी थोड़े से कम ही है बाकी फोन के कंपैरिजन में। इस फोन के अंदर आप लोगों को बैक साइड में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा फिजिकल, और बैक साइड की दोस्तों जो इस फोन की बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। इसके अंदर आप लोग को कोई भी ग्लास बैक देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये भी थोड़ा सा डाउनग्रेड है इस फोन के अंदर। और इस फोन के अंदर आप लोगों को 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और ये बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी है। और इसी के साथ में आप लोगों को बॉक्स के अंदर 15W का मोटोरोला का टर्बो चार्जर देखने को मिल जाएगा, और इस फोन के अंदर आप लोग को Type-C का पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। इस फोन के अंदर एक और यूनिक फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो है इस फोन का स्टीरियो स्पीकर्स। ये फोन डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, इसके अंदर आप लोगों को 2 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे स्टीरियो इफेक्ट के लिए। और ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बात है कि आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो अगेन दोस्तों, जो लोग मल्टीमीडिया के लिए ये फोन कंज्यूम करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अच्छा डिस्प्ले मिलता है आप लोगों को इसके अंदर, अच्छी खासी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और काफी ज्यादा लाउड और अच्छा स्टीरियो इफेक्ट देखने को मिलता है स्पीकर के साथ में। तो आप लोगों को ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को